जा रहे हैं नॉर्थ स्ट्रैडब्रोक आइलैंड विच इज़ ईस्ट ऑफ ब्रिस्बेन. 45 मिनट की फेरी हमने ली है गाड़ी के साथ. तो ये हम अभी फेरी के थ्रू जा रहे हैं. हम देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई हैं. काफ़ी लोग हैं. क्रिसमस फेस्टिव है. काफ़ी लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए. और ये तो ऑस्ट्रेलिया में पीक सीज़न होता है ट्रैवलिंग का. तो बड़ा मज़ा आ रहा है. बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं. हम टॉप डेक पे आए हैं फेरी के. तो मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ बच्चों के साथ. कल घर पे एक पार्टी रखी हुई थी तो आज हमने कहा ज़रा पार्टी से ब्रेक लेते हैं. थक गए थे काफ़ी. ज़रा एक डे ट्रिप लगाते हैं. तो अब ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी ये आपके सामने आइलैंड नज़र आ रहा है. ये काफ़ी नॉट दैट मच एक्सपेंसिव के अगर गाड़ी के साथ छः फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आपको ये 200 के अराउंड अगर आपको टिकट पड़ती है इट्स नॉट अ बिग डील. और माशा फिर आप आइलैंड को भी विज़िट कर रहे होते हो तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में वो बड़े बड़े पहाड़ तो नहीं हैं. बट अल्लाह ताला ने जो समंदर की नेमत दी है ऑस्ट्रेलिया को उससे तो कोई उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में. और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतने बीचेस हैं कि आप पूरी दुनिया में घूमते रहें. पूरे हर दिन जो है ना अगर आप उसमें एक विज़िट करें बीच को तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. बीचेस ख़त्म नहीं होंगे. दैट्स अ ट्रू फैक्ट. और स्पेशली क्वींसलैंड में अगर आप देखें तो साउथ क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन के साउथ में जैसे गोल्ड कोस्ट है वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट पॉइंट है. आप नॉर्थ में देखते केन्स है आपके पास टाउनवेल है तो काफ़ी जगह हैं जहाँ आप घूमने फिरने जा सकते हैं. तो ईस्ट कोस्ट में अगर देखें तो वेदर भी बहुत अच्छा है. आज भी माशाल्लाह काफ़ी क्लाउडी है. इट्स नॉट दैट मच सनी. पर समर हो सन हो तो फिर काफ़ी अच्छी हो जाता है यहाँ. तो बाकी कुछ और वीडियोस मैं बनाऊँगा जब मैं और नॉर्थ स्ट्रैडब्रोक आइलैंड पहुँचूँ फिर आपसे शेयर करूँगा. इन्जॉय योर डे. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा.